नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बात करेंगे पाइल्स की और इसके उपाय बताएंगे, घरेलू उपाय बताएंगे कि एक मलहम है जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कैसे बनाना है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं और खाने में कौन सी आपको मेडिसिन लेनी है और क्या ले सकते हैं जिससे कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, दर्शकों को भी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें ना पाइल्स का बता दीजिए, जैसे ना खूनी बवासीर होती है और ये बादी बवासीर होती है और किस किस तरह की पाइल्स होते हैं, फिसर वगैरह होता है, फिस्टूला होता है, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं आपको, थोड़ा सा बता देते हैं कि ये तीन चार जो रोग है किस किस तरह के होते हैं और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। देखिए ये चार रोग होते हैं जिसमें एक रोग की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन रोग जो है बच्चों में अधिक होता है। अच्छा। होता तो बड़ों में भी है लेकिन बच्चों में अधिक होता है। उसको कांच निकलना कहते हैं आम भाषा में। हाँ, कांच निकलना मैंने सुना हुआ है कि कांच निकलना एक मतलब बीमारी होती है, तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, क्या कांच होता है? जब कब्ज हो जाता है बच्चों को हो, बड़ों को हो, किसी को भी हो, वो जब प्रेशर बनता है, प्रेशर लगाते हैं पकाने के लिए जाते हैं, प्रेशर बनता है, उस समय कांच ढीली होकर बाहर को निकल आती है, जो गुदा का द्वार है वो बाहर को निकल बाहर निकल कूटन की वजह से दर्द होता है। तो अच्छा, दूसरा रोग होता है फिशर। हाँ, फिशर जो रोग होता है, जो एनल है हमारा, मल द्वार है, उसमें कूटन की वजह से, दर्द की वजह से, या मल जो है कठोर होने की वजह से जब बाहर निकलता है, जोर लगाते हैं पकाने के लिए, तो बेदार हो जाता है, मतलब उसमें दरार पड़ जाती है। अच्छा, जो क्रैक हो जाता है। अच्छा। उसमें दरार पड़ जाती है, उसकी वजह से जब जाएंगे पकाने को तो एक साइड में खून की धार मल से बधी हुई आएगी। अच्छा, मल के साथ साथ खून की धार, उसको बिदार कहते हैं। अच्छा। हाँ, फिशर कहते हैं। अच्छा। दूसरा होता है फिस्टुला। गुदा का जो द्वार होता है, मल द्वार जिसको कहते हैं, उसके एक इंच के चारों तरफ वो कहीं भी हो सकता है, अंदर से बाहर को एक रास्ता बन जाता है, गांठ बन जाती है उसमें, तो मल का भी श्राव हो सकता है, उसमें से पस निकल सकता है। अच्छा। एक गांठ बन जाती है। अच्छा। उस गांठ को जब तक नहीं निकाला जाएगा, नहीं ठीक किया जाएगा, तब तक जो ठीक नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब आज दरअसल क्या है कि पाइल्स का जो बवासीर की जो बीमारी है उसके लिए जल्दी से कोई डॉक्टर्स के पास नहीं जाता है, थोड़ी सी मतलब हिचक होती है। तो एक जो आपने हमें बताया था, डिस्कस किया था हमने आपसे, तो एक मलहम के बारे में आप बता रहे थे, उसको आप लगा सकते हो, उससे आपको बहुत आराम आएगा। और आपने कुछ हमें मेडिसिन भी बताई थी जो हम वीडियो से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे व्यूवर्स को वो सब बताइएगा कि उस मलहम को हम घर में कैसे बना सकते हैं और जो मेडिसिन है वो क्या क्या मेडिसिन हम ले सकते हैं। अवश्य, तो हम आपको एक दर्शकों को एक मलहम बताते हैं जो आसानी से घर में बनाया जा सकता है। इसमें 100 ग्राम सरसों का तेल लेंगे, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम मोम लेंगे, 50 ग्राम मोम। हाँ, दो तरह का होता है, एक मधुमक्खी का मोम होता है, दूसरा मोमबत्ती जो बनाते हैं वो मोम होता है। अच्छा, मधुमक्खी के जो छाते में जो मोम होता है वो। हाँ, और एक मोमबत्ती का। तो मोमबत्ती का वाला मोम भी ले सकते हैं। हाँ, उसको ले सकते हैं, या दूसरा वाला जो बताया मधुमक्खी वाला उसको ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी ले लें, दोनों का गुण एक ही रहेगा। तीसरी चीज लाल। अच्छा, अनसारी हो गया, इजीली ये मिल जाती है। और चौथी चीज लेनी है कपूर, 5 ग्राम। अच्छा। सबसे पहले तेल को अग्नि पर किसी बर्तन में गर्म करें, सरसों के तेल को, सरसों खूब गर्म जब हो जाए तो उसमें लाल पीस के डाल दें, पीस के डाल देंगे। अच्छा। तो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो छोटे हो जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे। अच्छा। इसी तरह से कूट के मूंग को भी डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो जल्दी जो है घुल जाएगा। ठीक है। घुलने के बाद में जब तीनों मिश्रण एक हो जाए, तेल, मोम और राल, उसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ठीक है। ठंडा हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसे कण होते हैं जिनको नीचे जमने में थोड़ा समय लगेगा। अच्छा। ठहर जाएंगे, नीचे स्थिर हो जाएंगे,
फिर उसको निथार लीजिए। अच्छा, खराब कण जो गंदे कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, फिर उस ऊपर ऊपर तेल निथार लो, उसको तेल को ले लो। हाँ, उसको निथार लीजिए। निथारने के बाद में ठंडा होने पर आप कपूर 5 ग्राम मिला लीजिए। अच्छा, ये आपका तेल मरहम तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। आप किसी भी भाषा में इसको बोल सकते हैं, तेल भी बोल सकते हैं, मरहम भी बोल सकते हैं, लेपन भी बोल सकते हैं। ये सोच जाने से पूर्व और सोच जाने के बाद में इसको लगाएं। अच्छा, इससे पूर्णतः आराम मिलेगा। तो डॉक्टर साहब कितनी बार लगा सकते हैं इसको? ये 2-3 बार दिन में लगा सकते हैं, जितनी बार भी लगा सकते हैं। लगा सकते कोई हैं। नुकसान तो नहीं है? नुकसान नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं करेगा और इससे फायदा ही होगा, बहुत फायदा होगा। राजमा जीवाणुनाशक होती है और कपूर भी जीवाणुनाशक होता है, त्वचा को सॉफ्ट कर देगा, घाव भरने में। ये सारी चीजें हैं, घाव भी भरेंगी, स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ। जो मतलब गुदा के आसपास जो स्किन होती है वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगी। और घाव जो हो गए, कट वगैरह लग जाता है, वो सब ठीक हो, वो सब ठीक हो, सब ठीक हो। और डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया था कि भाई कब्ज के कारण से होता है ये बवासीर, तो जिनको बवासीर है और उनको कब्ज है तो उनको तो और भी ज्यादा परेशानी होगी, और जिनको बवासीर वगैरह नहीं है, मान लो खाली कब्ज है, तो उनको आगे होने की संभावना हो सकती है। तो कोई ऐसा कब्ज का जो कारगर, जो नुकसान ना करे और जिसकी आदत भी ना पड़े, कि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि कब्ज की लेते रहो, आते सुखा देगी, आते खराब वो हो जाएंगी ज्यादा लोगे, तो ऐसा कौन सा चूर्ण हम लें जो कि हम लंबे समय तक भी लें तो उसका नुकसान ना हो, आंतों पे कोई उसका बुरा असर ना पड़े? इसमें हम छोटी हरड़ को ले लेते हैं। छोटी हरड़? छोटी हरड़ को लेते हैं, काले रंग की आती है, देखिए हमारे पास ये रखी हुई है, ये हरड़ है, छोटी हरड़। इसको जो है एरंड तेल में, लाल होने तक भून जाओ, मोटी हो जाएगी, लाल पड़ जाएगी, लाल पड़ने तक इसको भूने, उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख ले। जब ठंडी हो जाए तो इसको जो है ग्राइंड कर ले, पीस ले के बाद इसमें जो है स्वाद के अनुसार काला नमक, सेंधा नमक, जीरा और हींग डाल दें। काला नमक, सेंधा नमक, जीरा और हींग डाल दें। तो हींग और जीरा कितना कितना डालें, कितनी हरड़ में, कितना स्वाद के अनुसार? अच्छा, जैसे 100 ग्राम मान लीजिए हमने हरड़ ले ली, तो 100 ग्राम में जीरा कितना डालें, हींग कितना? जीरा 5 ग्राम डाल लो, 10 ग्राम डाल लो। अच्छा, इसी तरह से हींग डालो, 2 ग्राम, 3 ग्राम। अच्छा, इस तरह से हींग क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मार्केट में आजकल जो हींग आ रही है, मैदे वाली हींग आ रही है, तो अच्छी क्वालिटी की हींग, जो गुणप्रद हो। नमक भी अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल लें। दोनों नमक बताए आपने? हाँ, दोनों, काला नमक, सेंधा नमक, कोई भी डाल सकते हैं, जो उपलब्ध हो डाल सकते हैं। अच्छा, दोनों जरूरी नहीं है, एक डालना है। एक डालना है। अच्छा, इसको रात को सोते समय खाने के बाद एक चम्मच लें। अच्छा, तो सुबह पेट साफ हो जाएगा। इसमें हमने जो एरंड तेल मिलाया है, इसलिए कि शुष्कता होती है आंतों में जो आंतें शुष्क हो जाती हैं, जिससे जो मल है वो कड़ा हो जाता है, तो वो स्निग्ध हो जाएंगे, स्निग्ध हो जाएगा, यानी सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएगा एरंड तेल से, कैस्टर ऑयल से। और हरड़ का गुण जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, क्रिया अच्छी होगी। अच्छा, और जीरा इसमें पाचक होता है, हींग जो वायु को निश्चित करती है, जिसके गैस वगैरह नमक पाचक होता है। अच्छा, तो जिनको गैस बनती है उसके लिए भी, जिनको कब्ज रहता है उनके लिए भी, जिनको चिरकालीन कब्ज है वो भी इससे ठीक हो, वो भी ले सकते। इसको अमृता भी कहते हैं, छोटी हरड़ को, छोट अमृता तो सबको ही कहते हैं, हर जो अमृतवत काम करती है, इसलिए इसको अमृता भी कहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए किसी के पास चीजें अवेलेबल नहीं है और कोई मार्केट से कुछ अपना लेना चाहे, बना बनाए लेना चाहे, तो ऐसा क्या, कौन सा चूर्ण है जो ले सकते हैं? इसके लिए मार्केट से भी लिया जा सकता है, पंच सकार चूर्ण आता है, पंच सकार का मतलब ये होता है कि इसमें सा है शुरू में, अच्छा, सौंठ, अच्छा, सौंफ, अच्छा, सनाय, अच्छा, सेंधा नमक, अच्छा, और छोटी हर, अच्छा, चार चीजें सारी सा से हैं। हाँ, इसलिए इसको पंच सकार कहते हैं, पंच सकार। हाँ, और ये गुणप्रद चीजें होती है, गैस को भी खत्म करती है, पेट को साफ भी करती है, कब्ज नाशक होती है, और मल को जो है ठीक से सॉफ्ट बना के बाहर निकाल देती है। ये घर पे बनाया जा सकता है, मार्केट में भी ये बना हुआ मिलता है, किसी अच्छी क्वालिटी की कंपनी से लें, अच्छी कंपनी का लेंगे लाभप्रद होगा। दूसरी चीज होती है, आप
लगाने के लिए एक तेल बताते हैं हम आपको, जात्या तेल आता है, मार्केट में मिलता है, घर पर तो नहीं बनाया जाएगा। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाजार से लेके खरीद के ले सकते हैं इसको, लगा जात्याद तेल। चलो मैं नाम लिख दूंगी वीडियो में। घाव को भरने वाला है और खुशताबी दूर करता है, इससे मन जो है स्निग्ध हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसको भी दो बार लगाया जाता है, पखाने से पहले और पखाने के बाद में। और दिन में कितनी बार भी लगा? दिन में दो बार तीन बार लगा। मतलब ये मतलब हुआ इसकी कि जब हम मोशन के लिए जाते हैं टॉयलेट के लिए, तो इसको दो बार तो आपने लगाना ही है। जैसे आप मोशन के लिए जा रहे हैं तो पहले लगाना है और बाद में भी लगाना है। और दिन में इसको आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं, ये डॉक्टर साहब का ये कहना है ना डॉक्टर साहब? ये सब औषधियों का प्रयोग करने से सामान्य प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया घर पर ठीक से बनाया जा सकता है। और जो लोग ले सकते हैं, बना सकते हैं, इसका प्रयोग करें, निसंदेह उनको फायदा होगा। फायदा होगा निसंदेह। ठीक है। आहार में आप फाइबर युक्त फलों का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें और तले हुए पदार्थ न खाएं, बाजारू जो तले हुए तला बनाए वो न लें, तो ठीक हो सकता। हाँ, नहीं तो फिर ऑपरेशन की भी ऑपरेशन की नौबत ही क्यों आने दे। पहले से ही अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो अगर स्टार्टिंग में अगर उसका इलाज कर लिया जाए ना, तो बीमारी इतनी आगे बढ़ती नहीं है। और फिर बीमारी आगे बढ़ जाए तो फिर उसका ऑपरेशन कराओ, दुनिया भर का कितना कष्ट होता है उसके अंदर। तो डॉक्टर साहब आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, मलहम के बारे में बताया, खाने पीने का परहेज भी बताया। तो जो जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, उस तरह से आप मलहम घर में बना सकते हैं। और मार्केट से जो डॉक्टर साहब ने आपको मेडिसिन बताई है, दवाई बताई है, वो मार्केट से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। तो इसकी कितनी मात्रा लेनी है बनाने के लिए घर में, तो मैं आपको वीडियो में लिख कर दे दूंगी, तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में।